वेलकम टू माई क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है एक्स माइनस टू और एक्स माइनस फोर का। क्या करेंगे, किस तरह से इसको प्रोडक्ट करते हैं लेते हैं। तो हम ये करते हैं, एक्स को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फिर इसी एक्स को माइनस फोर से भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फिर माइनस टू को लेना है टू एक्स से भी मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस टू को लेना है माइनस फोर से भी करवाना है। सिंपल वे में मैं आपको बताती हूँ, पहले माइनस टू को स्किप करते हुए एक्स है ना, एक्स को इससे भी करवा दो, एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई करवा दो, फिर एक्स को स्किप करते हुए माइनस टू को इससे भी करवा दो और माइनस टू को इससे भी मल्टीप्लाई करवा दो। मैं करूँगी तो आपको और क्लियर समझ आ जाएगा। अभी के लिए सोचो माइनस टू नहीं है, एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है और एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाना है, एक्स स्क्वायर आ जाना है। यहाँ पर वेरिएबल को जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं ना इस तरह वेरिएबल से, तो वेरिएबल एक्स है तो एक्स आ जाना है और इसकी पावर्स ऐड हो जानी है, वन और वन, कोई पावर नहीं है तो वन है, यहाँ पर भी वन है, वन वन को ऐड करवाया तो टू आ गया। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाया एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करवाना है तो फोर एक्स आ जाना है, साइन भी मल्टीप्लाई हो जाना है, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ जाना है। समझ आ गया, इसको इससे भी करवाया, इसको इससे भी करवाया। अब माइनस टू को लेना है, इसको स्किप करते हैं, माइनस टू को लेना है इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस टू को लेना है इससे भी करवाना है। तो माइनस टू को हम एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टू एक्स आ जाना है, साइन भी मल्टीप्लाई हो जाना है, प्लस माइनस माइनस। माइनस टू को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करवाना है तो टू फोर टाइम एट आ जाना है और माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाना है। यहाँ पे क्या आ जाना है, एक्स स्क्वायर एज इट आ जाना है। ये एक्स टर्म है, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम, तो सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस होगा, प्लस साइन माइनस का आ जाना है। फोर एक्स में टू एक्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास सिक्स एक्स आ जाना है। ओके, माइनस माइनस होता प्लस है, साइन माइनस का आना है। फोर एक्स में टू एक्स को प्लस किया, सिक्स एक्स आ गया, प्लस एट आ गया। यहाँ पे ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं ना तो फैक्टर्स आ जाने, दोबारा से क्वेश्चन आ जाना है, तो इसलिए हमने क्या करना है, इसको यहाँ तक ही रहने देना है, ये आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देती हूँ, ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन अगर आप करना चाहो तो वो ले लो और फिर उसको सॉल्व करो, मैं आंसर भी दिखा दूंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन तो देख लो ना कि इसको मल्टीप्लाई करवाया, इसको इसके साथ भी आ गया, इसको इसके साथ ये आ गया, फिर इसको इसके साथ ये आ गया, इसको इसके साथ भी तो ये आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया, ये आ गया और ये आ गया। ये क्वेश्चन ले लो सॉल्व करने के लिए, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस एट, इसको सॉल्व करो, मैथड वही है। इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इसके साथ भी करवाना है, इसको इसके साथ भी करवाना है और इसको इसके साथ भी करवाना है, फिर सॉल्व करके देखो। सॉल्यूशन मैं दिखा देती हूँ, ये अगर ये सॉल्यूशन आ गया तो इसका मतलब आपके पास सारा करेक्ट हो गया, आपको समझ आ गई। इसी तरह यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करवाया हुआ है मैंने, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये आ गया, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, और देन ये एज ए टीम दोनों को सॉल्व हो रही है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं इसी टॉपिक पे, आप चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।